दोस्तों आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के स्टार्ट होने में अब काफ़ी कम दिनों का समय बच गया है, तो ऐसे में आईपीएल की सभी टीमों ने अपना अपना ऑक्शन स्ट्रेटजी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ऑक्शन स्ट्रेटजी के बारे में, यानी कि आरसीबी की टीम ऑक्शन में कौन कौन से प्लेयर्स को खरीदेगी, आरसीबी के पास कितने करोड़ का पर्स है और भी बहुत कुछ बताएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप लोग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और आईपीएल के बहुत ही बड़े फैन है तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आईपीएल और आरसीबी से रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले देते हैं। तो बिना किसी देरी के फटाफट से टेलीग्राम पे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आईपीएल 2025 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम का ऑक्शन स्ट्रेटजी बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर आरसीबी की टीम ने रिटेंशन में अपने स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर को रिटेन किया। तो आरसीबी ने सबसे पहले अपने सबसे बड़े प्लेयर विराट कोहली को 21 करोड़ में रिटेन किया और इसके बाद इस टीम ने रजत पाटीदार और यश दयाल को अपने स्क्वाड में वापस से रिटेन किया। तो कुल मिलाकर के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास करेंटली ये तीन प्लेयर अवेलेबल हैं और इन तीन प्लेयर्स को रिटेन करने के बाद आरसीबी के रिमेनिंग पर्स बैलेंस के बारे में बात करें तो इस टीम के पास करेंटली 83 करोड़ का सेकेंड हाईएस्ट पर्स है, यानी कि ऑक्शन में ये टीम पंजाब किंग्स के बाद दूसरा सबसे बड़ा पर्स लेकर के जाएगी। तो आरसीबी के पास बहुत ही ज्यादा पैसा होगा ऑक्शन में और ये टीम बड़े बड़े प्लेयर्स को आसानी से अपने स्क्वाड में परचेज कर पाएगी। तो आइए अब बात करते हैं आरसीबी के टारगेट प्लेयर यानी कि ऑक्शन स्ट्रेटजी के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि आरसीबी विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट से कौन कौन से प्लेयर को खरीदना चाहेगी। तो इस लिस्ट में पहला नाम आता है केएल राहुल का। केएल राहुल ने खुद और आरसीबी के मैनेजमेंट ने भी कई सारे ऐसे हिंट दिए हैं जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि आरसीबी की टीम ऑक्शन में केएल राहुल को खरीदेगी। केएल राहुल यदि आरसीबी में आएंगे तो आरसीबी को बढ़िया कप्तान भी मिल जाएगा, विकेट कीपर भी मिल जाएगा और साथ ही में ओपनर भी मिल जाएगा। तो इस वजह से केएल राहुल के ऊपर आरसीबी ऑक्शन में अच्छा खासा पैसा खर्च करेगी। और इसके बाद दूसरा नाम आता है जॉस बटलर का। बटलर के बारे में बात करें तो काफी बड़े विकेट कीपर है, विदेशी बल्लेबाज है, तो इस वजह से आरसीबी बटलर को भी देखेगी। यदि बटलर इस टीम में आ जाएंगे तो इनको बढ़िया ओपनर प्लस विकेट कीपर मिल जाएगा, तो ये लोग जॉस बटलर के ऊपर भी ऑक्शन में अच्छा खासा रकम खर्च कर सकते हैं। और इसके बाद तीसरा नाम आता है जेक फ्रेजर मैकगर्क का। हालांकि ये टीम बटलर और जेक फ्रेजर में से किसी एक प्लेयर को ही खरीदेगी, लेकिन टारगेट दोनों प्लेयर को ऑक्शन में करेगी। तो आपके हिसाब से आरसीबी टीम को जॉस बटलर और जेक फ्रेजर मैकगर्क में से कौन से प्लेयर को खरीदना चाहिए कमेंट में बताएं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यदि जेक फ्रेजर सस्ते में आरसीबी को मिल जाएंगे तो आईपीएल में फ्लैट विकेट पे डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करके दे पाएंगे, तो इस वजह से आरसीबी को जेक फ्रेजर को जरूर खरीदना चाहिए। और अब बात करते हैं बैटिंग डिपार्टमेंट से, यानी कि कौन कौन से बैट्समैन को आरसीबी ऑक्शन में अपने रडार पे रखेगी। तो इसमें पहला नाम आता है फाफ डू प्लेसिस का। प्लेसिस का नाम हमने इसलिए लिया क्योंकि हाल ही में आरसीबी के जो मैनेजमेंट के मो बैबर्ट है उन्होंने खुद बयान दिया कि फाफ डू प्लेसिस के ऊपर वो लोग ऑक्शन में बिडिंग करेंगे और वो उनके फ्यूचर स्कीम में अभी भी है, तो इस वजह से प्लेसिस को आरसीबी टारगेट करेगी। मे बी इनके ऊपर ये टीम आरटीएम का भी इस्तेमाल कर दे। और इसके बाद दूसरा नाम आता है वेंकटेश अय्यर का। वेंकटेश अय्यर काफी बढ़िया बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर में आरसीबी टीम को बढ़िया बल्लेबाजी करके देंगे, तो वेंकटेश अय्यर के ऊपर भी आरसीबी का नजर होगा। तीसरा नाम आता है नीतीश राणा का। नीतीश राणा मिडिल ऑर्डर के काफी एक्सपीरियंस वाले प्लेयर और इसके साथ ही मिडिल ऑर्डर में खेलने का इनके पास बहुत ही एक्सपीरियंस है, तो इस वजह से आरसीबी नीतीश राणा को भी अपने रडार पे रखेगी। और एक इंडियन अनकैप्ड प्लेयर है प्रियांश आर्या, जिन्होंने खुद इच्छा जाहिर किया था आरसीबी टीम की तरफ से खेलने का। उन्होंने हाल ही में दिल्ली प्रीमियर लीग में एक ओवर में 6 छक्के मारे थे। काफी बढ़िया बैट्समैन है प्रियांश आर्या, तो इस वजह से आरसीबी प्रियांश आर्या को भी यहां पे बैटिंग डिपार्टमेंट से ऑक्शन में परचेज करना चाहेगी। तो अब बात करते हैं कौन कौन से ऑलराउंडर को ये टीम टारगेट करेगी। तो हाल ही में आरसीबी टीम ने अपने स्क्वाड से ग्लेन मैक्सवेल जैसे बड़े ऑलराउंडर को बाहर किया था, तो उनके भरपाई के लिए ये टीम ऑक्शन से एक स्मार्ट बाई कर सकती है।
गई है, जहां पे ये टीम मिचेल मार्श के ऊपर ऑक्शन में स्लाइटली जा करके फटाक से अपने स्क्वाड में लेने का प्रयास करेगी, क्योंकि मिचेल मार्श अगर बैटिंग में चल जाएंगे तो काफी बड़े प्लेयर है मिचेल मार्श, कुछ हद तक बॉलिंग भी करके दे पाएंगे, तो इस वजह से आरसीबी मिचेल मार्श के ऊपर ऑक्शन में अच्छा खासा पैसा खर्च करेगी। इसके साथ ही इस लिस्ट में मार्कस स्टोनिस का भी नाम होगा, पहले भी स्टोनिस आरसीबी का पार्ट रह चुके हैं, तो इस वजह से आरसीबी का नजर स्टोनिस के ऊपर भी होगा। हालांकि मेरे हिसाब से मार्श और स्टोनिस में से किसी एक प्लेयर को ही आरसीबी खरीद पाएगी, क्योंकि और भी कई सारी टीमें इन प्लेयर्स को टारगेट कर रही है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि आरसीबी के टारगेट लिस्ट में वाशिंगटन सुंदर और शहबाज अहमद भी होंगे ऑलराउंडर लिस्ट से, क्योंकि दोनों काफी बढ़िया इंडियन ऑलराउंडर है, तो इस वजह से आरसीबी इन दोनों ऑलराउंडर्स को अपने स्क्वाड में ब्रिंग बैक करना चाहेगी। दोनों प्लेयर पहले से आरसीबी टीम की तरफ से खेल चुके हैं, तो इस वजह से दोनों खिलाड़ी को आरसीबी खरीदना चाहेगी। तो अब बात करते हैं स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट के बारे में, यानी कि कौन कौन से स्पिनर को ये टीम टारगेट करेगी। तो सबसे पहले कई सारे क्रिकेट रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि युजवेंद्र चहल को वापस से आरसीबी अपने स्क्वाड में लेना चाहेगी, और इसके साथ ही दो विदेशी स्पिनर वनिंदु हसरंगा और नूर अहमद में से किसी एक को आरसीबी अपने स्क्वाड में शामिल करना चाहेगी। दोनों विदेशी स्पिनर बढ़िया है, तो इस वजह से इन दोनों में से किसी एक विदेशी स्पिनर को आरसीबी अपने स्क्वाड में शामिल करना चाहेगी। और अब एट द एंड बात करेंगे फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट के बारे में। तो हाल ही में आरसीबी मैनेजमेंट की तरफ से बयान आया कि उन्होंने अपने स्क्वाड से मोहम्मद सिराज को इसलिए बाहर किया क्योंकि उनके बदले वो लोग चाहते हैं कि सस्ते दामों में दो तीन बढ़िया इंडियन फास्ट बॉलर उनको मिल जाए। तो इससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि आरसीबी ऑक्शन में भुवनेश्वर कुमार जैसे एक्सपीरियंस वाले बॉलर के पास जाएगी। भुवनेश्वर कुमार इनको इजीली 5 से 6 करोड़ में मिल जाएंगे, तो आरसीबी भुवी के ऊपर ऑक्शन में बिडिंग करेगी। हर्षल पटेल को भी ये टीम चाहेगी कि 5-6 करोड़ में अपने स्क्वाड में ले लिया जाए। हर्षल पटेल T20 के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं आईपीएल में, तो इस वजह से हर्षल पटेल भी आरसीबी के रडार पे होंगे। और इसके साथ ही एक अपडेट है कि मोहम्मद शमी जो है उनको भी आरसीबी टारगेट करेगी। शमी साल आपको ऑक्शन में दिखेंगे, शमी का आईपीएल में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस होता है, तो इस वजह से शमी को भी आरसीबी ऑक्शन में खरीदना चाहेगी। और एट द एंड मोहम्मद सिराज के ऊपर ये टीम हो सकता है कि आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके अपने स्क्वाड में ब्रिंग बैक करने का प्रयास करे, क्योंकि मोहम्मद सिराज आरसीबी के काफी क्लोज प्लेयर है, विराट कोहली के काफी नजदीकी है, तो इस वजह से सिराज को आरसीबी ऑक्शन में टारगेट कर सकती है। तो यह था आईपीएल 2025 के लिए आरसीबी का ऑक्शन स्ट्रेटजी, जहां पे इन सभी प्लेयर्स के ऊपर आरसीबी का नजर होगा। और ऑक्शन में जब ये लोग 83 करोड़ लेकर के जाएंगे तो ये टीम जरूर से इन सभी प्लेयर्स को टारगेट करना चाहेगी। ऑक्शन आपको 24 या 25 नवंबर को सऊदी अरब के रियाद में देखने को मिलेगा। तो ये था आरसीबी के ऑक्शन स्ट्रेटजी और टारगेट प्लेयर से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।